बाबू मोशाय, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। सुना तो आपने कितनी दफा होगा, लेकिन असल में इसे अपनी जिंदगी में कितनी बार अमल करते हैं जरूरी वो है, शायद बहुत कम बार। और इसीलिए एक बार फिर आ रहे हैं डायरेक्टर्स आनंद के नेक्स्ट पार्ट के साथ आपको इस सीख को फिर से सिखाने। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। राजेश खन्ना की रिलीज हुई मूवी आनंद, जिसमें वो हम सबको सिखाते हैं कि जीने का ढंग क्या होना चाहिए, एक बार फिर से एक नए अंदाज में रिलीज होने वाली है, जिसके बारे में आज हम खूब चर्चा करेंगे। वेल हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में, जहां आपको मिलेगी सिनेमा इंडस्ट्री से जुड़ी हर खबर, वो भी सबसे पहले। बता दें कि इस बार फिल्म की कास्ट तो डेफिनेटली चेंज होने वाली है, लेकिन मूवी में एक चीज होगी जो पिछली बार जैसे ही सेम रहेगी। जी हाँ दोस्तों, भले ही फिल्म को रिलीज हुए अब काफी साल हो चुके हैं, लेकिन एक चीज है जो अब भी चेंज नहीं होगी, और वो होगा कैरेक्टर्स का एक दूसरे को बाबू मोशाय बुलाना। और इसके पीछे भी काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। दरअसल असल में ही राज कपूर बैनर्जी को बाबू मोशाय कहा करते थे। बाबू मोशाय का मतलब होता है एक जेंटलमैन, और इसीलिए वो प्यार से ऋषिकेश बैनर्जी को बाबू मोशाय कहा करते थे, और इसीलिए फिल्म में भी राजेश खन्ना ने ऐसा ही किया और बैनर्जी को बाबू मोशाय बुलाया। पिछली बार की आनंद से इस बार की आनंद को रिलेट करने के लिए और फिल्म का एसेंस मेंटेन करने के लिए इस बार भी मूवी में बाबू मोशाय टर्म का यूज काफी ज्यादा होने वाला है। बता दें कि पिछली बार का फिल्म का बजट काफी ज्यादा कम था, और इसीलिए राजेश खन्ना ने मूवी के लिए अपनी रिन्यूमरेशन ही छोड़ दी और फिल्म के लिए सिर्फ 7 लाख रुपए लिए थे, जबकि असल में उन्हें मूवी के लिए 21 लाख रुपए मिलने वाले थे। इसके साथ ही आपको ये जानकर बेहद हैरानी होगी कि आनंद जैसी बड़ी और सुपरहिट फिल्म केवल 28 दिनों के समय में बनकर तैयार हो गई। जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, आनंद को 1 महीने से भी कम समय का वक्त लगा था तैयार होने में, इंक्लूडिंग प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन, जबकि इस बार फिल्म को करीब 1 साल लगने वाला है। इसके साथ ही बता दें कि जब राजेश खन्ना की मौत हुई थी तो मूवी से एक सीन था जो कि बार बार न्यूज चैनल्स पर प्ले हो रहा था, और वो था आनंद फिल्म का क्लाइमैक्स, जब असल में राजेश खन्ना के किरदार की उसमें मौत हुई थी। इस सीन को बार बार इसीलिए दिखाया जा रहा था कि ऐसा वो किरदार जो दूसरों को जीने का ढंग सिखा रहा था, वो असल में जीवन के इस नाटक से चल बसा है। और न्यूज़पेपर्स में भी आनंद मूवी से राजेश खन्ना की कई पिक्चर्स उस समय डिस्प्ले की गई थी। वेल दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको आनंद मूवी के बारे में इनमें से कौन कौन सी इंटरेस्टिंग बातें पता थी, हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को।